हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट एंड क्विक वे ऑफ रिप्लेसिंग रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर. लेट अस टेक द एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ वी मल्टीप्लाई द वेरियस नंबर्स. एज यू कैन सी हियर इन द वेरी फर्स्ट फिगर, वन एंड टू, टू बैट्स आर गिवन. अगेन वन एंड टू, टू बैट्स आर गिवन. अगेन वन एंड टू, टू बैट्स आर गिवन. एंड अगेन इन द लास्ट, वन एंड टू, टू बैट्स आर गिवन. सो हाउ मैनी टाइम्स टू इज गिवन? वन, टू, थ्री, फोर. सो विल राइट इट एज फोर टाइम्स टू. ओके, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? फोर मल्टीप्लाई बाय टू. द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज दिस क्रॉस वन, फोर मल्टीप्लाई बाय टू. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर विल गेट आंसर फोर इंटू टू इक्वल्स टू एट. सो टोटल बैट्स आर देयर इज इक्वल्स टू एट. इन द नेक्स्ट यू कैन सी वन, टू, थ्री पेन्स आर गिवन. अगेन वन, टू, थ्री, थ्री पेन्स आर गिवन. वन, टू एंड थ्री, थ्री पेन्स आर गिवन. सो हाउ मैनी टाइम्स थ्री इज गिवन? वन, टू, थ्री. सो यू कैन राइट इट हियर थ्री टाइम्स थ्री, और यू कैन राइट इट इन द फॉर्म थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, बिकॉज थ्री इज बींग मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स. सो हेयर इट यू कैन बी राइट हेयर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल्स टू नाइन. थ्री थ्री इज़ अ नाइन होता है. सो थ्री थ्री इज़ अ नाइन. लाइकवाइज यू कैन टेक एन अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. यू कैन टेक एनी नंबर्स. हेयर यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटर्न मल्टीप्लीकेशन साइन. दिस क्रॉस वन इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन which represents number of repetition. Number of repetition means that 2 is repeated 4 times. So here we has written 4 multiplied by 2 equals to 8. So 2 plus 2 plus 2 plus 2 is 4 times 2, 4 multiplied by 2. Don't write it as 2 multiplied by 4, क्योंकि 4 2 times नहीं given है, 2 आपको 4 times given है. So you can be writing here 4 multiplied by 2. I hope this concept is clear to you. For the rest of the questions, you have to revise the tables. So revise that thoroughly. Thank you.